है मोटरसाइकिल वाला मिला, जिसके हाथ की हर एक उंगली में एक अंगूठी थी। तो मैंने क्या किया, सारी की सारी अंगूठियां छीन कर लेके आ सकता। ये देखिए, ये तो नाक हो गएगा सरकार। तुम भी नाक हो जाओ अगर तुम्हारा इसी गलती की। एक बात पूछो सरकार। पूछो। आपके जैसे अंगूठी उस हीरो के पास कैसे आई?
करके कि रेस जीतनी होगी और हमें शुद्धि के पैसे वापस देना पड़ेगा। No!
मैं जी, मैं वो पैसों के बारे में बात करने आया था। ओए हाँ, मैं तो भूल गया था, कितने पैसे देने थे जी? 1000 रुपए। छोड़ती 1000 रुपए दे देना मामा जी। 1000 रुपए आपको इसे नहीं, इसको बताना है क्या? याद नहीं इसी की वजह से खाया कैलकुलेटर टूट गया था। और फिर पूरी बात भी बोलो, पैसे देने आया ना तो फिर पैसे अंदर रख जी। मैं पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सका। हाँ, अगर आप गए तो मैं स्कूल के बाद यहाँ आकर काम करके पैसे चुका सकता हूँ। जाली गोड़िया, अगर ते श्रुति को भी काम करने में आसानी हो जाएगी ना। क्या क्या कह रहे हैं मामा जी, ऐसे कैसे बिना किसी को जाने काम पर रख सकते? भाई थोड़े दिन करेगा तो हम जान लेंगे, इसमें क्या है? मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मैं घर में मम्मी की भी मदद करता। मैं आपको दिखाऊं, मैं ये देखिए, मैंने ये उठाया, मैंने ये उठाया।
अबे ये जरूर किसी ऐसे शैतान का बागान है जो जादुई फूल उगाना चाहता है और उनका लालच देकर लोगों को अपने पश में कर लेता है। ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा जब
क्या नसीब हो उस गुब्बारे से बाहर निकले हो। जूझ रहे होंगे और मैं
चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता हूं, मगर मुझे अब तक पहुंचना होगा, वरना वो कैक्टस को ना एक एक करके मेरे सभी दोस्तों को जहरीले पौधों में बदल देगा। उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए सब हीरो की मदद चाहते हैं, मेरी मदद करने के लिए तो कोई नहीं है। सदैव तुम्हारे साथ हूँ, किंतु अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, किंतु अपने कर्मों के बल पर तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुर्गा माँ, अगर मैं उन बाधाओं तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा? तुम उस बागान तक पहुंचना चाहते हो ना? जी। तो उसके मालिक को अपने निकट आने का निमंत्रण दो, वो स्वयं ही तुम्हें राह दिखाएगा। आज फिर मुझे भूखे पेट टीवी देखना पड़ेगा। मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, मैं किसी भी मामले में अच्छा नहीं हूँ। डोरेमोन, मेरी बात सुन रही हो? हाँ, सुन रहा हूँ। डोरेमोन, ये बताओ, मैं किस तरीके से मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ और ताकतवर बन सकता हूँ? हीरो, मैं जानता हूँ कि आप सब अपने लापता बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन घबराइए मत, मुझे उनका पता मिल चुका है और कुछ ही देर में मैं चिल्ड्रंस पार्क में आप सबको उन तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। बेवकूफ हीरो, खुद ब खुद कैक्टस कूला के जाल में आ गया। आप सब इन झाड़ियों के पीछे छुप जाइए, बहुत ही जल्द हमारा दुश्मन हमारे सामने हो। प्लीज। साथ ही महाशक्तिशाली मिराज इस दुनिया पर फिसल
विराज करेंगे। ये विराट कौन है? Don't go.